20 साल हो गए जितने लोगों ने भी शासन किया झारखंड में, केवल और केवल यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक चुनचुना देने का काम किया। सबसे बड़ा चुनचुना तो आपका झारखंड का पंचायती राज अधिनियम 2001 था। तो हमारी सरकार आई है तो हम धीरे धीरे करके उनके अधिकार को उनको लौटा रहे हैं। सरना कोड किसने इनको अड़चन डाला हुआ है? वही लोग हैं। 1932 किसने अड़चन डाला है? यही विपक्षी लोग हैं। अगर भाजपा पार्टी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं का शासन था, झुंझुना पकड़ाने का काम उन्हीं का था, यहाँ के लोगों को लूट शोषण करना उन्हीं का काम था। पैसा कानून अधिकार यात्रा की रैली चल रही है और हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की है, ये बताइए कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, आज जो हम लोगों ने यात्रा निकाला है पैसा अधिकार यात्रा, देखिए आपको बतलाना चाहूंगी कि पी पैसा का कानून, इसको अगर किसी ने लाया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही लाया है। और आज 23 साल हो गए जितने लोगों ने भी शासन किया झारखंड में, केवल और केवल यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक झुंझुना देने का काम किया। सबसे बड़ा झुंझुना तो आपका झारखंड का पंचायती राज अधिनियम 2001 था। जब झारखंड राज्य बना, अनुसूचित राज्य बना, उसी समय पी पैसा के जितने भी प्रावधान है उसको लागू करना चाहिए था, मगर अब तक इसे लागू नहीं किया है। और आज जब हमारे सरकार में हेमंत सोरेन जी ने यह आश्वस्त किया है कि यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार करके इसको लागू किया जाएगा, तो हमारा ये मांग है कि उस पैसा कानून अधिनियम के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान के तहत, उसे वैसे ही लागू किया जाए ताकि जल जंगल जमीन सारे संसाधनों में ग्राम सभा का अधिकार हो। और तो और, हमारा पारंपरिक रूप से व्यवस्थाइक जो शासन है वह स्वशासन लागू हो। मुखर क्यों है विपक्ष बोल रहे हैं कि आप लोग जो है राजनीति कर रहे हैं? इसमें राजनीति क्या? अपने अधिकार का मांग करना कोई राजनीति होता? और विपक्ष क्या? आप अगर भाजपा पार्टी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं का शासन था, झुंझुना पकड़ाने का काम उन्हीं का था, यहाँ के लोगों को लूट शोषण करना उन्हीं का काम था। वो तो हमारी सरकार आई है तो हम धीरे धीरे करके उनके अधिकार को उनको लौटा रहे हैं। आज सरना कोड किसने इनको अड़चन डाला हुआ है? वही लोग हैं। 1932 किसने अड़चन डाला है? यही विपक्षी लोग हैं। और अब भी पैसा का बारी है या आदिवासियों के ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए, अपने स्वशासन को मजबूत करने के लिए हमारा आखिरी लड़ाई है। इसीलिए हम लोग लगातार अपने सरकार से इस चीज को मांग कर रहे हैं कि जो प्रावधान संविधान में दिए गए लागू किया जाए। क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई आप लोग शुरू किए पैसा अधिकार को लेकर, ये कहां तक पहुंचेगा? ये कोई लड़ाई नहीं है, अधिकार की मांग है। इसीलिए और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक स्वरूप देने का प्रयास किया ही है। अब हम उनसे मांग कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनके झांसे में ना पड़े, लोगों के झांसे में ना पड़े। बहुत इच्छा से, बहुत एक चाहत से झारखंड के लोग ने हमें सरकार में हमें शासन दिया है। और आप आस्था भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है वो पैसा के माध्यम से उनको दिया। तो ये तो बिल्कुल, अगर हमारी सरकार, क्योंकि मैंने कह दिया 23 साल से जितने लोग भी आए, जितने लोग भी शासन किए 20 साल, कुछ नहीं किया उन्होंने पैसा कानून के लिए। अब जब हमारी सरकार है, हमारी सरकार में अगर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और आदिवासी मूलवासियों को उनका अधिकार मिल पाए। इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं, क्या आपके आपके इस जो अधिकार की जो आप बात कर रहे हैं वो उसकी कितनी भागीदारी है उनका? बिल्कुल है, मुझे लगता है आपने यात्रा को थोड़ा लेट को ज्वाइन किया। हम लोग इस कार्यक्रम को मोराबादी मैदान से शुरू किए, उस समय INDI के कई सारे नेतागण हमारे साथ जुड़े थे। इनफैक्ट झारखंड के जो प्रभारी है अविनाश पांडे जी, उन्होंने ही इस कार्यक्रम को हरा झंडा भी दिखाया मोराबादी मैदान से। अब हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक जा रहे हैं, वहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा को हम लोग माल्यार्पण करेंगे और लोगों को जागरूक करते हुए आज यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये केवल एक जिला के नहीं, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, कोडरमा, गुना, लातेहार, महुआ, डार, तमाम जगह से लोग आए हुए हैं। विशेष रूप से भारी मात्रा में महिलाएं हैं। आपको मालूम होगा
झारखंड में जितिया का पर्व है, बहुत सारी महिलाएं उपवास रख के आज इस यात्रा में चल रही हैं, तो आप भागीदारी देख सकते हैं, गंभीरता इस यात्रा का आप देख सकते हैं। The followup.in, like, share, and subscribe.